दोस्तों, गाड़ियां तो आपने आज तक बहुत सारी देखी होगी, मारुति, टाटा या फिर मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी गाड़ियां दिखाने वाला हूं जिनको आप रियल लाइफ में इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर मूवीज तो देखी होगी, जिसमें किस तरह एक नॉर्मल चलती फिरती कार एडवांस रोबोट में बदल जाती है। ठीक वैसी ही गाड़ियां रियल लाइफ में भी मौजूद है, जिनको आज आप इस वीडियो में देखोगे। तो वीडियो की शुरुआत होगी रोबो किया से। इस कार को किया मोटर्स ने बनाया है। ये एक एसयूवी है जो दिखने में तो आपको नॉर्मल कार्स की तरह लगेगी, लेकिन इसका गजब का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आप शॉक्ड हो जाओगे। सबसे पहले तो ये कार अपने अंदर से धुआं छोड़ती है जो आपको चक्कर में डाल सकती है कि आखिर ऐसा क्यों। लेकिन दोस्तों, ये धुआं इस कार के ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है जो ये बताता है कि कार अब एक रोबोट में बदलने वाली है। और दोस्तों, बस देखते ही देखते एक मिनट से भी कम समय में ये कार एक रोबोट में बदल जाती है जो देखने में काफी भयानक दिखता है। लाडा ट्रांसफॉर्मर रशिया के एक पिता और बेटे ने ट्रांसफॉर्मर मूवी से इंस्पायर होकर रियल लाइफ में रोबो कार बना दी जो फायर भी करती है। जी हाँ गाइज, बाप बेटे ने मिलकर ओल्ड लाडा VAZ 2110 को मॉडिफाइड करके एक चलते फिरते रोबो कार में तब्दील कर दिया, जो कि आप सभी देख पा रहे हो। इस अमेजिंग कार को बनाने में लगभग 6 महीनों का समय लगा, तब जाकर यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सका। गाइज, इस गाड़ी की खास बात यह है कि इसे नॉर्मल कार से रोबोट बनने के लिए रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये चलते फिरते रोबोट कार में बदल जाती है ना कमाल। लेम्बोर्गिनी एवेंटाडोर LP 7004। दोस्तों, लेम्बोर्गिनी एवेंटाडोर तो हम सब की ड्रीम कार है, क्योंकि इस कार को बनाई इस तरह से है कि ये किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। लेम्बोर्गिनी के इंजीनियर्स ने इस कार को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और इसमें लगा 700 हॉर्स पावर वाला इंजन इसे एक पावरफुल कार बना देता है। ये तो कुछ भी नहीं है, इस कार की एक और खास बात यह है कि यह कार कुछ ही समय में एक फ्यूचरिस्टिक रोबोट में बदल जाती है जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस रोबोट की बॉडी काफी फ्लेक्सिबल है, तो इसे आप डांस करते हुए भी देख सकते हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि लेम्बोर्गिनी की यह कार आपको काफी पसंद आई होगी। लेकिन दोस्तों, अगली गाड़ी इससे भी जबरदस्त है, वो कार है BMW लेट्रॉन्स। दोस्तों, BMW की 3 सीरीज सेडान एक लग्जरी और बेहद ही खूबसूरत कार है जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी दिखती है। लेकिन दोस्तों, टर्किश टेक कंपनी लेट्रॉन्स ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ गाइज, इस कंपनी ने BMW की नॉर्मल सी दिखने वाली 3 सीरीज को कस्टमाइज करके एक रोबोट कार बना दिया है जो बस देखते ही देखते मात्र 30 सेकंड में एक बड़े से रोबोट में बदल जाती है जो बात भी करता है। इस रोबोट को देखकर आप लोग एक ही बात बोलोगे, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। किसने बनाया ये मुजस्सिमा, किसने बनाया ये मुजस्सिमा। दोस्तों, ये कार हमारी लिस्ट की सबसे जबरदस्त कार है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत, और इसे देखने पर ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मर मूवी से निकलकर रियल लाइफ में हमारे सामने आ गया हो। आई एम श्योर दोस्तों, ये गाड़ी आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। हुंडे क्रेडल। दोस्तों, हुंडे मोटर्स ने एक ऐसी रोबोट कार बनाई है जो ऐसी जगहों पर ड्राइव की जा सकती है जहाँ किसी नॉर्मल कार का पहुँचना नामुमकिन हो। अभी ये गाड़ी अपने कॉन्सेप्ट मोड पर है। हुंडे का कहना है कि ये फ्यूचरिस्टिक रोबोट कार आने वाले समय में कई सारे रिसर्च करने, एमरजेंसी एम्बुलेंस और एडवेंचरस ट्रेवलिंग के काम आएगी। दोस्तों, ये गाड़ी हमारी इस लिस्ट की बाकी गाड़ियों से काफ़ी डिफरेंट है। तो दोस्तों, आपको ये कार्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।